हर चीज़ एक हद पे अच्छी लगती है, एक चाय है जो बेहद अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ ए वाई फ्रॉम योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल अराउंड द वर्ल्ड। मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरा कलम, मैं चाहत जो लिखूँ तो चाय लिख जाता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को तो आइडिया हो गया होगा आज की मेरी ये वीडियो किस टॉपिक पर है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ के मुतल्लिक बात करेंगे जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हमारी तो सुबह ही नहीं होती जब तक हमें चाय ना मिल जाए। आप ही, मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ एक कप चाय पिला दें। मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मैं रात भर पढ़ाई करूँगा, मम्मा प्लीज़ मेरे लिए चाय बना के रख दें। शाम को मेहमान आ रहे हैं घर पे, चाय का सामान तैयार रखिएगा। गर्ज ये कि पाकिस्तान और उसकी आवाम का चाय के साथ सदियों पुराना रिश्ता है। चलें अब इसकी इब्तिदा की बात करते हैं। तकरीबन 5000 साल पहले एक रिसर्च के मुताबिक इसकी इब्तिदा चाइना में हुई थी, लेकिन बहुत से दूसरे रिसर्चर्स के अकॉर्डिंगली इसकी इब्तिदा कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका से हुई। एड्स भी आपने देखे होंगे, केनिया के बागात से आए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आप लोगों को, पाकिस्तान में चाय की प्रोडक्शन नहीं होती, फिर भी पाकिस्तान दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट टी इम्पोर्टर है। और अब पाकिस्तान में चाय की तलब और मुस्तकिल इजाफे की वजह से मुल्क की चंद जगहों पर चाय की पैदावार का काम शुरू कर दिया गया है, जैसा कि शिनक्यारी केपीकेटी फार्म जो कि मानसेरा में है। एक मानसेरा की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में दोनों ब्लैक टी और ग्रीन टी की पैदावार है। और जहां तक इंपोर्ट की बात है तो ब्लैक टी 19 डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट की जाती है, जिसमें 60% शेयर कीनिया का है, और ग्रीन टी चाइना, वेंटाइन और इंडोनेशिया से इंपोर्ट की जाती है। ब्रिटिशर्स के दौर में एक टी हाउस सेट किया गया था लाहौर में, माल रोड की तरफ। उस वक्त उसका नाम इंडिया टी हाउस था। फिर उन दिनों जब पाकिस्तान मूवमेंट की रेजोल्यूशन पास हुई तो मुस्लिम स्कॉलर्स और जर्नलिस्ट ने उसका नाम चेंज करके पाक टी हाउस रख दिया। चाय की तकरीबन 14-15 इकसाम हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर दूध पत्ती चाय का इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी इलाके और मौसम के हिसाब से लोग अपनी चाय का इंतखाब करते हैं, जैसे कि मटकी चाय, सब्ज चाय, दूध पत्ती, मसाला चाय, कश्मीरी चाय, अदरक वाली चाय, गुड़ की चाय, कोकोनट चाय। गर्ज ये कि और भी बहुत किस्म की चाय हैं। यहाँ पर आगे मैं आपको उनमें से कुछ किस्म की चायों के बारे में बताती हूँ। कश्मीरी चाय, जिसको नून चाय भी कहा जाता है, ये सब्ज पत्तियों से बनती है और इसमें दूध का इजाफा किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जब बादाम पिस्ते डल जाएं तो मज़ा दोबाला हो जाता है। इसके साथ ही ये मसाला चाय है, जिसमें मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है। सब्ज चाय की पत्तियों में ये मसाला जात को जोश दिया जाता है तो ये सब्ज चाय तैयार हो जाती है, जो कि सर्द मौसम में और नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए भी बहुत मुफीद है। ये सब्ज पत्तियाँ हैं जो कि सब्ज चाय में और कश्मीरी चाय में इस्तेमाल की जाती हैं, मसाला चाय के में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब ये मटका चाय जो है, इसकी मुझे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस इतना जानती हूँ कि मटके में चाय पेश की जाती है, जो कि एक मिट्टी का मटका होता है। बाकी कराची में तो आपको मालूम है दूध पत्ती के बग़ैर गुजारा नहीं है, दूध पत्ती चाय हो तो ज़िंदगी सुकून से गुजर जाती है। और हाँ, वो चाय वाले भैया जो कि मॉडल बन गए हैं, वो भी तो चाय से मशहूर हुए हैं। चलें, ये तो एक मजाक था। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेशन में मुझे बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।